पहले बंद करा दे, एक हफ्ते से भाई ने थोड़ी बिल्कुल नहीं खाया। ये बंदा खतरनाक लग रहा है बिल्कुल यार। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और आज इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं, मेरे दोस्त का कंपटीशन है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन। तो हम दोनों भाई, पीछे से तीन चार भाई हो रहे हैं, तो सारे भाई जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन देखने, अपने दोस्त कार्तिक को चीयर करने। तो दोस्तों, ये है वो MCD स्कूल जहाँ पर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन आज और आया है, और यहाँ के जो निगम पार्षद है उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया है। और अंदर दिखाता हूँ आपको, तो अंदर आप देख सकते हो भाइयों कितनी भीड़ है, और सामने बॉडी बिल्डर देखिए, और इनकी बॉडी देखिए भाई, क्या लग रहा है बंदे भाई का, खतरनाक ही लग रहे सारे बंदे। लेकिन हमारे कार्तिक भाई के सामने ये लोग बहुत फीके हैं। अभी मैं आपको बैक स्टेज चल के कार्तिक भाई की बॉडी दिखाता हूँ, क्या खतरनाक बॉडी क्या बनाई है उस भाई ने। तो चलिए बैक स्टेज चलते हैं। तो दोस्तों, ये है बैक स्टेज जहाँ पर सारे बॉडी बिल्डर तैयार होते हैं और अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर ट्रेनिंग क्रीम लगाते हैं। तो चलिए अपनी टीम की तरफ चलते हैं एक बार जल्दी से। रवि जी, क्या हाल है? ये हमारे कार्तिक भाई हमारी जिम से खेल रहे हैं भाई। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. दोस्तों, टैनिंग क्रीम के बाद कार्तिक के बॉडी पे थोड़ा सा रोलर चलेगा। रोलर से ये होता है कि इसकी जो बॉडी की जो मसल की शार्पनेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई देगी, और जो क्रीम है टैनिंग क्रीम वो पूरी बॉडी पे अच्छे से लग जाएगी। और टैनिंग क्रीम के बाद थोड़ी सी मूव लगाते हैं ताकि इसकी बॉडी को पसीना आए और उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शाइन करे स्टेज के ऊपर। तो अब कार्तिक की बारी है, उसका कॉम्पिटिशन है, वो स्टेज पर जाएगा ऊपर और सबकी फाड़ के आ जाएगा। देख सकते हो भाई की बैक पीछे से कितनी तगड़ी लग रही है। बहुत ही सुंदर सिमेट्री आती है। ये हमारा जज पैनल है, सारे जजेस बैठे हुए हैं इधर जो मार्क्स दे रहे हैं इधर, यहाँ सारी ट्रॉफीज रखी हुई है। तो हमारे कार्तिक भाई हमारी रॉक फिटनेस टीम को मिस्टर दिल्ली कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कार्तिक कुमार, क्वार्टर टर्न राइट। Please move back. Close. Well done. Stop it. Thank you. Respect the athletes and go to the team group. Good luck this time. Aap sabhi ek saath. All together. Quarter turn right. शाबाश कार्तिक, अपने जिम के बंदे पागल हो रहे थे, एक ताली बजा बजा के वहां पर। ए सारे हमारी जिम के बहुत बढ़िया कार्तिक, कोई नहीं है टक्कर में, अपने ये कप कार्तिक जीतेगा। तो बस बचे हैं लोग, तीन बंदे बचे हैं जिसमें हमारा भाई कार्तिक भी है, अब जीत भी जाए। And third place goes to trunk number 47. बहुत बढ़िया, कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, पहली बार में थर्ड प्लेस, बहुत बढ़िया। शाबाश कार्तिक,
हमारे भाई कार्तिक की थर्ड पोजीशन आई है अभी मिस्टर दिल्ली कंपटीशन में 2020 में मैन फिजिक में। ये हमारे कोच है रवि भाई, ये भाई को ट्रॉफी मिली है और रवि भाई से जानेंगे इन्होंने कैसी कैसी इनको प्रैक्टिस कराई है जिस हिसाब से जीते हैं। तो गुरु जी बताइए थोड़ा। अभी तो इसका फर्स्ट टाइम ही है, 6 महीने का इसका ट्रेनिंग चली थी, तो पहले से जिम कर रहा था लेकिन प्रिपेयरिंग इसने स्टार्ट करी है 5 महीने पहले, जिसमें कि पहले गेनिंग करी, ट्रेनिंग करी, फिर कंपटीशन के थ्रू। अभी एक हफ्ते से इतना क्या क्या चल रहा है, खाने पीने में क्या क्या छोड़ रहा था? एक हफ्ते पहले तो हम कार्ब लो कर देते हैं, बॉडी में कार्ब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा देते हैं। अच्छा, इससे कि पानी में पानी भी कम कर देते हैं। तो पानी कब से नहीं रहा भाई? पानी अभी फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, पानी बंद नहीं करवाया। पानी नमक भी बंद करते हैं, मैंने सुना सॉल्ट एक वीक पहले बंद करा देते। एक हफ्ते से भाई ने सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाया, चलो चिकन बॉइल खा। एक हफ्ते से सॉल्ट बिल्कुल नहीं खाया भाई ने, नमक बिल्कुल नहीं लिया है, जो कि सोडियम होता है। और कौन क्या कर रहा है अभी? प्रोटीन एग्स हो गया, चिकन हो गया, ब्रोकली वगैरह, तो रेगुलर यही खा रहे हैं सी पे है। तो पहला कॉम्पिटिशन था भाई का, पहले कॉम्पिटिशन में भाई थर्ड आए हैं, बहुत बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी जिम का लड़का पहले कॉम्पिटिशन थर्ड आ रहा है मिस्टर दिल्ली जैसे कॉम्पिटिशन में। अरे भाई की हमारे फिजिक देख लो, फर्स्ट पोजीशन वाला ही फिजिक है एकदम। 2000 years later. खेल रहा है तो अभी इसका राउंड है 72 अबव वेट में, फिजिक में मैन फिजिक में वो थर्ड प्लेस पर आया है, तो अभी क्लासिक में देखते हैं उसको क्या मिलता है। तो हमारा कार्तिक आ चुका है स्टेज पे, बैच नंबर 60 कार्तिक। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग नंबर 58 फोर्थ प्लेस स्ट्रॉन्ग नंबर 69। तो कार्तिक के लिए अब तीन ही लोग बचे हैं, थर्ड प्लेस स्ट्रॉन्ग नंबर 60 60। कार्तिक भाई को एक और ट्रॉफी मिली है, कार्तिक भाई को कैसा लग रहा है? बैग भाई बस इसी बात की बात, खुशी आप भाई दो ट्रॉफी जीते हैं ऐसी, एक आगे चल रही है, पांक आगे हमारा एक भाई लेके गया हुआ है। तो ये वाला ब्लॉग यही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।